हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ एक और एक स्टूडेंट है जो कि अभी 27 दिसंबर बैच में जो चल रहे हैं। तो ये बताइए, अपना नाम बताइए। नीरज सिंह वाघेला। क्या नाम है? सुनील। नीरज सिंह वाघेला। नीरज सिंह, अच्छा कहाँ से आप? सर एमपी रतलाम। एमपी से है, चलो ठीक है। तो ये बताइए, अच्छा दिन कितना दिन का क्लास चल रहा है आपका? सर फोर्थ डे है आज। डे फोर्थ है, चलो ठीक है। तो ये बताइए क्या क्या काम किया अपने डे फोर्थ में अभी तक? डे फोर में अभी तक तो जो मैं कभी पार्ट समझता भी नहीं था वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना, उनका वर्किंग, उनकी आउटपुट इनपुट सब इंक्लूड करके। तो चार दिन में वोल्टेजेस वगैरह आपको, कंपोनेंट और ट्रेसिंग, उसके बाद फिर आपको रिवॉल्व करते हैं, उसमें कैपेसिटर का क्या काम होता है, पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होती है। इवन उसके अलावा हार्डवेयर स्किल में आपका हैंड स्किल के अंदर सीपीयू, ईएमएमसी, चार्जिंग एसी पावर, ये सब उठा के लगाना बिठाना। अच्छा, तो ये बताइए ये पहले आप करते थे या यहाँ आने के बाद किए सब काम? सर बिगनिंग में इस लेवल तक नहीं करता था, छोटे मोटे काम करता था। छोटा मोटा काम किया, मतलब कितने साल से काम करते हैं अभी? मोर देन 10 ईयर्स हो गए थे। मोर देन टेन ईयर्स। लेकिन 10 ईयर्स में ये काम नहीं किए कभी? नहीं सर, ये कभी है? जो बाकी लोग कर सकते थे वही काम अभी तक आपने किए? कैजुअली, हाँ, रनिंग काम भी हो रहा था, बेसिक वगैरह काम किए, लेकिन ये इस लेवल का काम अभी आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताइए कि चार दिन के अंदर आपने क्या क्या काम करे और इसमें आपको कितना सेटिस्फाइड हुआ, क्या क्या लगा? ये फ़ोन आपको दिए थे ऑन कंडीशन में। तो अभी इसमें क्या क्या काम किया? सर इसकी दोनों आईसियाँ, ईएमएमसी और अपनी सीपी, दोनों रिवॉल्व करके वापस से बिठा के, दोनों रिवॉल्व करके वापस लगा। तो अभी ये ऑन हुआ नहीं हुआ एक बार बता सकते हैं आप? सर दिखा यहाँ पे एक बार ऑन करके। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ देख सकते हैं फोन, यहाँ पे एमआई का लोगो एक बार आ गया। इनके लिए एक बार क्लैप्स करिए भाई। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एमआई का लोगो आ चुका है, फ़ोन ऑन है, यहाँ पे ऑन हो रहा है, डीसी पे रीडिंग देख सकते हैं। तो अभी ये ऑन हो गया, इस लेवल का काम करने में अभी क्या आपको कोई डर है या कॉन्फिडेंस में? सर फर्स्ट टाइम जब ऑन हैंड सेट दिया था थोड़ी घबराहट थी कि वापस ऑन होगा कि नहीं, तो कैजुअली प्रैक्टिस इतनी हो गई कि बिल्कुल परफेक्टली कर सकते। अभी तो प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है और वन शॉट में कर सकते हैं बिल्कुल। क्या 10 बार तो रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं है? सर इनिशियली लगी, पर डे वन में जितना सपोर्ट मिला, जितना सीपीयू, जितना पार्ट यूज करना था सब मिला। हाँ, डे वन में तो आपको टाइम लगता ही है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा हो जाती है, जो चीज़ें खराब भी हो जाती है, कुछ चीज़ें सही भी हो जाती है, लेकिन वो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। लेकिन अभी चार दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद अभी तो कॉन्फिडेंस तो हो गया ना 100%। अभी तो ऐसा नहीं समझेंगे कि नहीं अभी भी मैं सीपीयू रिवॉल्व करने में डर लग रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, डर तो निकल गया कंप्लीट 100%। तो कोई भी अगर मैं सीपीयू दे दूँ इसकी जगह पे, जैसे तो ये तो देखो बहुत से लोग समझेंगे वीडियो में कि एक ही फ़ोन घुमा रहे हैं हर बार वीडियो में, ये ऐसा तो नहीं है, ये फेक वीडियो बन रहा है? नहीं नहीं, तो ये बोर्ड अलग अलग है, डिस्प्ले सब में एक ही होगा, हर वीडियो में बता रहे हैं हम, ये डिस्प्ले एक ही है, लेकिन बोर्ड तो इनका ही है जो अलग से दिया हुआ चालू बोर्ड। ठीक है, तो ये फेक वीडियो तो नहीं बन रहा है? नहीं, नहीं। ये आपने इसका रिवॉल्व किए नहीं किए? देखो यहाँ पे प्रैक्टिस में एक बार ईएमएमसी भी डैमेज हो चुका था, लेकिन ये फ्रेशर है इसके लिए टाइम लगता है, कुछ डैमेज हो जाती है, कुछ सही हो जाती है, लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है? हाँ, जब तक हार नहीं मानेंगे तब तक हमारा काम सक्सेसफुल होते रहेगा। अगर हार मान गए तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे आपके जो ऐसे टीम थे ऐसे ही टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। लेकिन ये हार नहीं मानने के बाद चौथे दिन में आज इन्होंने 4G सीपीयू को डन करके ऑन किया। तो अभी कोई भी चीज़ में दे दूँ तो डरेंगे? बिल्कुल भी नहीं। चलो वेरी गुड, थैंक यू इनके लिए एक बार।